अगर दोस्तों आप हमारे पहली बार इस चैनल पे विजिट हुए हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, इसे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर जानकारी फ्री में आपके पास पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, कैसे करें .com में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के बारे में और उसमें जानेंगे कि कैसे जो है वो आप किसी भी थर्ड पार्टी या फिर किसी और बैंक के या फिर अपने ही SBH जो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद है दोस्तों, उसके बैंकिंग अकाउंट को कैसे अपने ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट से लिंक कर सकते हैं, यानी कि आप जो है वो थर्ड पार्टी या किसी भी इंसान को जो है वो ट्रांसफर करने के लिए बेनिफिशियरी एज ए बेनिफिशियरी जो है वो एड कैसे कर सकते हैं और उसको पैसा जो है वो कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जो है दोस्तों देखते रहिए और सीख लीजिए कैसे करें। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको विजिट करना है onlinesbh.com पे। जी हाँ दोस्तों, हमें विजिट करना है onlinesbh.com पे, जैसा हम बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं दोस्तों, और उसके अंदर आपको क्लिक करना है दिए गए ब्लू कलर के लॉगिन बटन पे। जैसे दोस्तों हम लोग करेंगे क्लिक दिए गए ब्लू कलर के लॉगिन बटन पे, हमसे जो है वो पूछा जाएगा हमारे यूजर नेम और पासवर्ड के बारे में। हो सकता है उससे पहले दोस्तों कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन भी जो आपके सामने आए, तो दोस्तों आपके सामने होगा यूजर नेम और पासवर्ड, आप जो अपना यूजर नेम एंटर कर लीजिए और उसके बाद जो पासवर्ड है वो एंटर कर लीजिए और क्लिक कर दीजिए दिए गए ब्लू कलर के लॉगिन बटन पे। जैसे ही दोस्तों हम लोग क्लिक करते हैं लॉगिन बटन पे, हमारे सामने जो काफी सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। उसके अंदर से दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन होता है माई अकाउंट के साथ, वो होता है पेमेंट या ट्रांसफर्स। दोस्तों आपको जो है वो क्लिक कर लेना है पेमेंट्स या ट्रांसफर्स पे। उसके बाद दोस्तों अगर आप स्टेट बैंक ग्रुप के जो बैंकिंग है दोस्तों उन नंबर को अगर ऐड करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्लिक करना है दिए गए SBI के ऑप्शंस के साथ, आपको नंबर दिया होगा, काफी सारे जो ऑप्शंस दिए होंगे। उसके अंदर से दोस्तों आपको जो है वो क्लिक करना है अकाउंट्स ऑफ अदर्स, जो कि होंगे विद इन SBI यानी SBI अकाउंट के होंगे, तो दोस्तों आप उनको जो है वो क्लिक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो है वो काफी सारे ऑप्शंस खुलेंगे, उसके अंदर से आपको एक ऑप्शन चूज करना है क्लिक हेयर टू एड ए न्यू बैंक बेनिफिशियरी। तो दोस्तों इंट्रा बैंक बेनिफिशियरी जहां पर लिखा हुआ है दोस्तों, आप जो है वो वहां पर दिए गए ब्लू कलर के ऑप्शंस को जो है वो क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप वहां पर क्लिक करते हैं, आपसे पूछा जाएगा आपके नेट बैंकिंग अकाउंट के प्रोफाइल पासवर्ड के बारे में। तो दोस्तों ये प्रोफाइल पासवर्ड वो पासवर्ड होता है जो आपने अकाउंट बनाने के दौरान जो है वो दिया होगा। हम जो है वो प्रोफाइल पासवर्ड एंटर कर लेते हैं और क्लिक कर देते हैं दिए गए सबमिट बटन पे। जैसे ही हम करते हैं दोस्तों क्लिक सबमिट बटन पे, हमारे सामने जो है नए ऑप्शंस खुल जाते हैं जहां पर पूछा जाता है हमसे हमारे नेम के बारे में, अकाउंट नंबर। तो दोस्तों जो नेम है दोस्तों उस इंसान का नेम एंटर कर दीजिए जिसका आप जो है वो बैंक ऐड करना चाहते हैं। दोस्तों आप नेम भर लीजिए, उसके बाद जो है वो अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर में उस अकाउंट नंबर को दोबारा से टाइप कर दीजिए। ट्रांसफर लिमिट दोस्तों कितना पैसा जो है वो आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, कितने लाख तक जो है वो आप पैसा करना ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप जो है उसको एंटर कर लीजिए। आप नियर अबाउट 1,00,000 जो है वो पैसे जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आप जो है वो अमाउंट एंटर कर लीजिए जैसा कि हम बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। दोस्तों उस अमाउंट को एंटर करने के बाद आपको क्लिक करना है दिए गए सबमिट बटन पे। जी हाँ दोस्तों, अमाउंट जो है वो एंटर कर लेते हैं और क्लिक कर देते हैं सबमिट बटन पे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों नीचे दिए गए सबमिट बटन पे, तो सबमिट बटन पे क्लिक करते ही हमारे सामने जो है वो आ जाएगा कि आपका जो बेनिफिशियरी है दोस्तों वो ऐड कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों नीचे दिया होगा अप्रूव नाउ का ऑप्शन, तो दोस्तों हम लोग जो है वो एक टाइम में या तो बेनिफिशियरी को अप्रूव कर सकते हैं या फिर जो ट्रांजेक्शन लिमिट है दोस्तों उसको अप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है अप्रूव नाउ पे क्लिक कर देते हैं, वो बेनिफिशियरी जो है दोस्तों उसको जो है हम लोग अप्रूव कर देते हैं ताकि जो है वो अगले आने वाले कुछ घंटे के अंदर हमारी जो लिमिट और जो बेनिफिशियरी है दोस्तों वो बिल्कुल जो है वो प्योरली सेट जो है वो हो जाए और हमारा जो ऐड है वो दोस्तों हो जाए। तो हम लोग दोस्तों ऑप्शंस दिए होंगे कि आप ATM से करना चाहते हैं या फिर OTP के थ्रू, तो OTP जो है उसको चूज कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें दिखाया होगा हमारा अकाउंट जो हमने अभी ऐड किया होगा दोस्तों, उसको जो है वो हम लोग टिक कर लेते हैं और हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आपको एक SMS द्वारा प्राप्त होगा, आप उसको जो है वो एंटर कर दीजिए और क्लिक कर दीजिए नीचे दिए गए अप्रूव बटन पे। जैसा हम बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं दोस्तों, हमारे पास जो है वो हमारा SMS आ चुका है, हम लोग जो उसको एंटर कर लेते हैं। तो एंटर करने के बाद दोस्तों हम लोग क्लिक करते हैं अभी दिए गए अप्रूव बटन पे। जैसा हम बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं दोस्तों, हमने क्लिक किया अप्रूव पे। जैसे दोस्तों अप्रूव पे हमने क्लिक किया, एक प्रोसेसिंग हुई और हमारे सामने जो है वो कंप्लीटली सक्सेसफुल जो है वो हो गया है। उसके बाद दोस्तों अगर आप अपने बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ ग्रुप है दोस्तों उससे अलग कोई अकाउंट नंबर जो है वो
ऐड करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, आप फिर से जाइए पेमेंट्स या ट्रांसफर्स में, वहां पर दोस्तों आपको काफी सारे ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको चूज करना है एंट्रा बेनिफिशियरी। जैसा हम बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं दोस्तों, एंट्रा बेनिफिशियरी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है काफी सारे ऑप्शन होंगे, जैसे IMPS या फिर स्टेट बैंक ग्रुप, RTGS और NEFT। तो दोस्तों जो है वो ऑप्शंस काफी अलग अलग है। RTGS में दोस्तों वो होता है 2 लाख रुपए तक जो है वो एक साथ में सेंड करना चाहे तो, NEFT जो होता है दोस्तों वो होता है 10 लाख रुपए एक साथ सेंड करने के लिए। उसके बाद दोस्तों जो स्टेट बैंक ऑफ ग्रुप्स का होता है दोस्तों उसके अंदर भी ट्रांजेक्शन की जो लिमिट है वो होते हैं, जैसा हम बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं दोस्तों, तो आप 10 लाख रुपए तक जो है वो स्टेट बैंक में भी सेंड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप IMPS सर्विस है दोस्तों, उसका प्रयोग करके भी कुछ पैसे जो है सेंड कर सकते हैं। दोस्तों हम क्लिक कर देते हैं नेफ्ट पे और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्लिक कर देते हैं प्रोसीड पे। तो दोस्तों नेफ्ट पे टिक करने के बाद हम प्रोसीड पे करते हैं, हमारे सामने ऑप्शन आता है कि आपने पहले जो है किसी बेनिफिशियरी को ऐड नहीं किया है, तो दोस्तों हम क्लिक कर देते हैं ऐड इंट्रा बैंक बेनिफिशियरी। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे से पूछा जाएगा प्रोफाइल पासवर्ड के बारे में, जो हमने अकाउंट बनाते समय दिया होगा, हम उसको जो है वो फिर से एंटर कर लेते हैं और उसके बाद क्लिक कर देते हैं दिए गए सबमिट बटन पे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने जो है वो एक नया पेज खुलेगा जहां पर हमसे पूछा जाएगा अपने नाम के बारे में, हमारे अकाउंट नंबर के बारे में, कन्फर्म अकाउंट नंबर दोस्तों उसके अंदर हम दोबारा से अकाउंट नंबर डालना होगा। तो दोस्तों हम सारे डिटेल्स जो है वो बिल्कुल सही सही भर लेते हैं, अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर, नाम में उस इंसान का नाम जिसको आप पैसा सेंड करना चाहते हैं, अकाउंट नंबर कंफर्म अकाउंट नंबर हमने जो है एंटर कर दिया है। उसके बाद दोस्तों एड्रेस 1 में आप जो है उसका स्ट्रीट एड्रेस या फिर आपके घर का एड्रेस दोस्तों जो भी है उस इंसान का उसको एंटर कर दीजिए। उसके बाद उसके सिटी, उसके बाद दोस्तों उसका स्टेट या फिर उसका पिन कोड, और उसके बाद दोस्तों इंट्रा बैंक ट्रांसफर लिमिट यानी कितना पैसा जो है आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप उसकी लिमिट जो है वो आप सेट कर सकते हैं, अभी जो है उसको सेट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास क्या है, उसकी लोकेशन है या फिर उसका आईएफएससी कोड, तो आईएफएससी कोड अगर आपके पास हो तो दोस्तों आप आईएफएससी पे टिक कीजिए और जो है वो आईएफएससी एंटर कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों टिक कीजिए आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन, उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए और दिए गए सबमिट बटन पे जो है वो आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हम लोग करते हैं सबमिट बटन पे क्लिक, हमारे सामने जो है वो हमारे मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस जो आता है दोस्तों, उसके जरिए हम जो वेरीफाई इसको कर लेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि पैसा हम ट्रांसफर कैसे करेंगे, फिर से जाइए दोस्तों ट्रांसफर्स एंड पेमेंट्स, जो आपको सामने दोस्तों जो ऑप्शन दिया है पेमेंट्स एंड ट्रांसफर्स उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप अगर स्टेट बैंक के ग्रुप में भेजना चाहते हैं तो अकाउंट्स ऑफ अदर्स वहां पर जो है आपको टिक कर लेना है, अगर आप किसी और को भेजना चाहते हैं तो आप टिक कर लीजिए एंट्रा बेनिफिशियरी एंट्रा बैंक ट्रांसफर। तो दोस्तों आप जो है वो एंट्रा बैंक बेनिफिशियरी पे क्लिक करके जो है वो उनको ट्रांसफर कर सकते हैं बिल्कुल उसी प्रोसेस से अभी जो हम करते हैं स्टेट बैंक टू स्टेट बैंक। तो दोस्तों हम लोग जो है वो जाते हैं फिर से पेमेंट्स एंड ट्रांसफर्स पे, वहां पर दोस्तों हम लोग क्लिक करते हैं अकाउंट्स ऑफ अदर्स, वहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें अमाउंट एंटर करनी होगी कि कितना पैसा जो है हम सेंड करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम लोग एंटर कर लेते हैं 50,000 रुपए। उसके बाद हमारे सामने वो अकाउंट्स दिखाए होंगे जो हमने अभी जो है वो ऐड किए थे या फिर उससे पहले जो है वो ऐड किए थे, तो दोस्तों उनमें से जो है वो आप चूज कर लीजिए, पर्पस में जो है वो आप जो भी पर्पस चाहें अपना चूज कर लीजिए, काफी सारे आपको जो है वो ऑप्शंस मिलेंगे। आप जिस अकाउंट को भेजना चाहते हैं उसको टिक कर लीजिए, उसके बाद नीचे जाइए, वहां पर आपको 3 तरह के ऑप्शंस होंगे, पे नाउ, शेड्यूल लेटर, तो आप दोस्तों पे नाउ भी चूज कर लीजिए अगर अभी भेजना चाहते हैं तो, और उसके बाद क्लिक कर दीजिए सबमिट पे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं सबमिट पे हमारे सामने कन्फर्म का ऑप्शन आता है, दोस्तों हम लोग जो है वो कन्फर्म करना चाहते हैं इस चीज को, तो कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हम करते हैं कन्फर्म पे क्लिक, हमारे मोबाइल नंबर पर एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड जो है वो सेंड किया जाता है कन्फर्म करने के लिए कि हम ही इस ट्रांजेक्शन को जो यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों वो पासवर्ड जो है उसके अंदर एक कोड होगा, उसे हम एंटर कर देते हैं और क्लिक कर देते हैं कन्फर्म पे। जैसे ही दोस्तों हम क्लिक करेंगे कन्फर्म पे, हमारे पास से जो पैसा है वो दूसरे अकाउंट में जो है वो ऑटोमेटिकली कुछ ही सेकंड्स में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों इस जरिए से जो है वो आप परमानेंटली बेनिफिशियरी जो है वो ऐड कर पाएंगे, उसके साथ पैसा जो है वो ट्रांसफर कर पाएंगे। दोस्तों एक बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद नियर अबाउट 24 घंटे जो है वो दोस्तों उसको अप्रूव होने में लग जाते हैं, और ये जो 24 घंटे दोस्तों उम्मीद होती है कि ये जो है वो वर्किंग डेज के अंदर ही होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो नीचे दिए गए लाइक बटन को जो है वो क्लिक कर दीजिए, इस जानकारी को शेयर जो कर दीजिए और सब्सक्राइब भी हमें जो दोस्तों कर लीजिए, और सीखते रहिए हमारे साथ और बने रहिए और सीखते रहिए कैसे करें। दोस्तों अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आपको जो है उस बारे में हमने कुछ वीडियोस यहाँ पर और यहाँ पर आपको जो वो दिए हैं उन पर आप क्लिक करके अन्य जानकारी हमें जो दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और हमारी इस जानकारी से खुश हैं तो नीचे दिए गए शेयर बटन से जो है वो जानकारी को शेयर कर दीजिए और हमारे यहाँ पर दिए आइकन बटन से क्लिक करके आप सब्सक्राइब पे क्लिक करके हमें सब्सक्राइब भी जो है दोस्तों कर लीजिए।